राजगंज जनपद के ग्राम सभा राम मंदिर से है। जो स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार त्रिपाठी ने मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाले राशन को लेकर बड़ा मामला बताते हुए कहा कि ग्राम प्रधान और कोटेदार की मनमानी से विद्यालय में अक्सर भोजन नहीं बनता है और इस बात की शिकायत जिले के जिम्मेदार अधिकारी को लिखित रूप में दी जा चुकी है, पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान द्वारा जो है राशन नहीं दिया जा रहा, वही कोटे उसी का आदमी कोटेदार है, कोटेदारी भी यही चलाते हैं जी, जिसके वजह से विद्यालय में 6 से 8 से 12 2023 तक खाना नहीं बना और पुनः 1 सितंबर को भी राशन न देने के वजह से खाना नहीं बना जी। और मामला यह है कि इनके खिलाफ हमने जांच कार्रवाई के लिए शैलेंद्र वर्मा MD जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, जिला अधिकारी महाराजगंज, CDO महाराजगंज को हमने एक एप्लीकेशन दिया हो, जिसके वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6/8/2023 को दिया हो जी, और अब तक 5 तारीख हो गया, 5/9/2023 हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। और उसी को मनरेगा के द्वारा जो है मट्टी भरवाए हैं जी, जी। जिससे मैं आहत हूँ। मामला था जो कप्तान साहब ने महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र के मंसूरगंज की निवासी वृद्धा महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उनके बहू बेटे और रिश्तेदारों द्वारा मारा पीटा गया और साथ ही उनकी झोपड़ी भी गिरा दी गई है और छप्पर में रखा सारा सामान जो है फेंक दिया गया है। वही किसी तरह वृद्ध महिला ने भाग कर अपनी जान बचाई। मामला था जो कप्तान साहब से मिलने आई है। बेटा पतो अपने रगड़ा झगड़ा करते हैं, नैहर वाले से हमार पतोही बोलाई की हमके मरवा वाला सी है, गुंडा रहना है और चिन्ह पौली भाई बाप के माता के लोग रहना है, 6 जनी रहना है, 6 जनी रहना है तो भाई बाप की चिन्ह ली, महतारी चिन्ह ली और 3 जनी नहीं चिन्ह ली है, कहाँ के रहना है। हमार भाई पाक करके हमके उठा पटक देना, हम गिर गई है, भंडा हमार मड़ाई तिड़ई पर उजार के भंडा लेके मारे चलना है। हम उन्हें जब छूट पौली हम उठ के भाग चली खेताड़ी रहे, जाके गांव में छुप के तो हम अपन जान बचौली बाटी, अपन जान बचाई है। हाँ तो कप्तान साहब ने क्या कर दिया। खबर जालौन से है, जहां ग्रामीणों ने मजनुओं को पकड़कर चप्पल से पीटा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से कुछ लोग लगातार गांव में आकर महिलाओं और लड़कियों को परेशान करके फब्दियां कस रहे थे। वहीं ग्रामीणों द्वारा मजनुओं की धुनाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं जनपद जालौन के नंदी गांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर आगरमालवा जिले के सुसनेर से है, जहां कांग्रेस के PCC सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भैरव सिंह परिहार बापू के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल रैली नगर में निकालने के बाद विश्राम गृह के बाहर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में अल्पवृष्टि से खराब हुई फसलों का तुरंत प्रभाव से सर्वे करवाकर मुआवजा और बीमा राशि किसानों को देने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और किसान मौजूद रहे। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सभी चारों ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में आज हम सबने ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय को सौंपा है कि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के साथ में इंद्र देवता का रुष्ट होने के कारण जो किसानों की हालतें हुई है, वो सबसे बड़ी बिजली की समस्या जो है उसको लेकर हम सभा सड़क रुक रहे हैं और जल्दी अगर इन्होंने इसकी सूद नहीं ली तो एक उग्र आंदोलन, अगर किसानों की सूद नहीं ली तो। खबर प्रयागराज जनपद के झूसी थाना क्षेत्र से है, जहां शास्त्री पुल पर शराब से भरी मालवाहन टेम्पो ने पिकअप में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मालवाहन टेम्पो के पर खच्चे उड़ गए। वही घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस वाहनों को थाने पर लेकर आई और जांच में जुट गई।
खबर धनबाद से है जहां कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वीटी इंफ्रा सोसाइटी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां मौके पर उपस्थित वीटी इंफ्रा के निदेशक दीपक जे ठक्कर ने बताया कि कोलागुस्मा बलियापुर रोड स्थित परिसर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी भव्य तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें 25 फीट की ऊंचाई पर टंगे हुए माखन भरे हांडी को तोड़ा गया, विजेता टीम को पुरस्कार किया गया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुए बच्चों को सम्मान पत्र के अलावा पुरस्कार दिए गए। जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया है बहुत धूमधाम से। इसमें बच्चों का दो ग्रुप में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, इसके अलावा डांस कंपटीशन हुआ, ग्रुप में भी सोलो डांस कंपटीशन भी हुआ। उसके अलावा अभी दही हांडी का कार्यक्रम जो अभी आप समापन हुआ है, उसमें भी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौन विजेता हुए हैं अभी? विजेता का तो नाम हमको पता नहीं है, लेकिन ये राजकमल जो भी हो दही हांडी ग्रुप में जो भी ने परफॉर्म किया है, वो सबसे कम समय में मटकी को छुआ है। 1 मिनट में उन्होंने मटकी को छुआ है। वो हमारा बंटी सिंह है, यहाँ पर कैंपस में उन्हीं का टीम है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधायक नारायण चंदेल ने विधानसभा के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम खैरा में 1,45,88,000 की लागत से निर्मित होने वाले जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांव के सरपंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।